अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको जियो की एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट सहरी में क्या है। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं चिकन के पसंदे, मुर्ग पसंदे। पसंदे बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूरी नहीं है आप ये सहरी पे सर्व करें, इफ्तार में सर्व करें, आप ईद के लंच पर, ईद पे डिनर पर कितने एहतमाम हो रहे होते हैं, फैमिलीज इकट्ठी हो रही होती हैं, खुशी का माहौल होता है, आप उस पर भी ये बना सकते हैं। इसका सिंपल तरीका ये है कि इसमें कुछ मसाले हमें ड्राई रोस्ट करके और उसको पीस के और उसमें मैरिनेट करना है। आपने मैरिनेट कर कर रख दिया, उसके बाद थोड़ा सा मसाला बनाकर और हमने उसको उसमें डाल देना है। जल्दी बन जाते हैं, ईद पर भी यही वाली चीज़ हो रही होती है कि टाइम कम होता है और हमने चीज़ें ज़्यादा तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए भी ये रेसिपी ठीक है। नारियल, खशखश, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्ची, ये चार चीज़ों को हमने हल्का सा भूनना है। भूनने के बाद इसको हमने ड्राई ग्राइंड कर लेना है। ये सारा मसाला इधर चला गया। साथ में मैं डालूंगी इसमें पपीता, कच्चा पपीता, थोड़ा सा आप पका हुआ भी ले सकते हैं, अदरक और लहसुन, ये अलग अलग मेरे पास है। सारी चीज़ों से हम इसको मैरिनेट करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसमें साबुत गोल मिर्चें ऑलरेडी जा चुकी हैं। बेसन 2 टेबलस्पून, दही 1/2 कप, ये मटन के भी पसंदे बहुत मज़े के बनेंगे। मैं चिकन के बना रही हूँ, आप मटन से भी बना सकते हैं। बहुत से लोग शौक़ से बीफ के भी खाते हैं, तो आप बीफ से भी बना सकते हैं। नमक और हल्दी, ठीक है, ये सब कुछ चला गया। इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। यहाँ पर हमारे पास है चिकन के पसंदे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने हुए। इन सब को हम इससे मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी ऐड करूँगी कि हमारा मिक्सचर अच्छा सा बन जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पसंदे। मैरिनेशन टाइम आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, चिकन के पसंदे हैं आप इसको 2 से 2.5 घंटे तो ज़रूर दीजिएगा। जितना ये अच्छा मैरिनेट होंगे उतना इसका फ्लेवर अच्छा होगा। थोड़ा सा मैं इसको और मिक्स करूँगी, उससे पहले मैं यहाँ पर चूल्हा ऑन करूँगी और हम इसमें डालेंगे हम सबका पसंदीदा, हम सबका एतमाद वाला, हम सबका भरोसा है इस पर, डालडा कुकिंग ऑयल। तेल यूज़ करें तो अच्छा यूज़ करें डालडा कुकिंग ऑयल। रमज़ान का बाबरकत महीना है और डालडा का मैसेज है ज़्यादा बरकत ज़्यादा बचत। ये देखें, अब ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है थोड़ी सी लाल प्याज, लाल प्याज, ठीक है, ये कच्ची नहीं है। लाल प्याज को 2 मिनट में फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद ये टोटल हमारा जो चिकन का मिक्सचर है विद द मैरिनेशन पसंदे ये सारा चला जाएगा हमारे। ये हो गया, ऐसा मैं फ्राई करूंगी। उस वक्त मुझे लगा था पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब ये फ्राई मैंने किया तो मुझे लग रहा था कि नहीं ज़रूरत है क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला था, तो मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है। आप देख के डालिएगा, हो सकता है आप जब चिकन को मैरिनेट कर रहे हो उस वक्त जो आपने पानी डाला होगा वो शायद इनफ हो, तो इस वक्त फिर आप पानी नहीं डालेंगे। मैंने जो उस वक्त डाला था वो कम था, मुझे इनफ नहीं लगा, तो मैंने इसमें 1/2 कप और डाल दिया। आप देख के डालेंगे, ठीक है। बस अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको ढक दूँगी, कितनी देर, जब तक कि हमारे पसंदे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और यहाँ पर मेरे पास है तिल,
ऊपर से तिल डालेंगे। इसको अब मैं ढक दूंगी। और पसंदे गलाने अच्छे हैं, चिकन के हैं, जल्दी गल जाएंगे, वो टूटने नहीं चाहिए, ऐसे ही खूबसूरत लगने चाहिए। जब तक ये पक रहे हैं, हमने सोचा हम आपको जामे शीरी का बता दें। आप लोग वाकिफ़ हैं, हम सब वाकिफ़ हैं, इसको कोई तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको ये बता दें कि कर्शी जामे शीरी सिर्फ हमारे पीने की हद तक नहीं है। हम सब जानते हैं इससे हम बहुत सारे किस्म के मीठे बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ड्रिंक्स बना सकते हैं। पाकिस्तान का नंबर वन नेशनल ड्रिंक है, खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है। जब तक ये हमारा पसंदे गल रहे हैं, हाफ डन हो चुके हैं, बस 5 मिनट में ये और हो जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर तिल और हरा धनिया डालेंगे। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर प्लेटर रख दूँ अपना पसंदे को डिश आउट करने के लिए। इसको हम सर्व कर रहे हैं नान के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। पसंदे हमारे घर में बॉइल्ड राइस के साथ ही बड़े शौक से खाए जाते हैं, तो वो मटर वाले चावल या बघारे हुए चावल या उबले हुए चावल, जो भी आपके घर में जिस तरह भी पसंद किया जाता हो। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, और मैंने आपको बताया था इसमें हम डालेंगे थोड़े से तिल। तिल का बहुत एक अच्छा फ्लेवर आता है, ये रोस्टेड नहीं है, आप रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। बाकी हम थोड़ा सा ऊपर डिश आउट करते हुए निकालेंगे। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, पसंदों को गलाना है बट तोड़ना नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, छुरी चमचे एक चीज़ और मुझे याद नहीं है, कुछ दो चार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी आदत होती है। अपने घर में मैं सीरियसली 2-3 ही चम्मच हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो इतनी आदत हुई हुई है उन चम्मचों पर, आपका हाथ बैठ जाता है। छुरी का भी यही होता है, जब आपने चॉपिंग कटिंग करनी होती है तो आप अपनी ही छुरी से चॉपिंग कटिंग करते हैं, चाहे वो जितनी पुरानी हो जितनी नई हो, बट आदत की बात होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग किचन में कर रहे होते हैं, ग्रेवी में इससे थोड़ी सी निकाल लूँगी। तभी होता ये कि जब किसी और के किचन में कभी बहन है, कुछ होता है इस तरह, आपने जा के बनाना होता है, मुझसे तो नहीं पकते खाने, क्योंकि अपनी हर कबट की आपको आदत होती है। ये कबट खोला आपने मसाला निकाल लिया, ये कबट खोला आपने प्याला निकाल लिया। यहाँ पर तो माशाल्लाह इतना आराम है, हमें सीरियसली हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आके बनाना होता है, हर चीज़ रेडी होती है, इतनी माशाल्लाह अच्छी टीम है। चलें, ये हो गया हमारा डन, खूबसूरत। ये आपने कलर देखा कितना इसका डिफरेंट कलर है, इस बिल्कुल ना रेड है ना ग्रीनिश है, खूबसूरत सा कलर है। इसको हम हटा के साइड पे करेंगे, चमचे अक्सर मिसहैप की तरफ ले जाते हैं गिर के। हम इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। मैं सहरी के लिए इसको सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर प्याज के लच्छे नहीं डाल रही। आप अगर इफ्तार के टाइम पे यूज़ करें, या अब खैर से ईद के लिए अगर आप बनाएं, किसी और फेस्टिव ओकेजन के लिए बनाएं, तो फिर प्याज के लच्छे और लेमन वेजेस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तिल डाल दिया और हमने धनिया फाइनली चॉप किया हुआ डाल दिया। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कुछ ही देर बाद आपसे मुलाकात होगी सहरी के टेबल पर।